हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। मैं आपको क्रिकेट जैसे बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जब लाइक को प्रेस कीजिए ताकि आपको शुरू में सके। पहले बैटिंग खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही दिल्ली कैपिटल और चेन्नई सुपर किंग के बीच जो मैच खेला गया, अगर बात की जाए तो वन साइडेड मैच दिल्ली कैपिटल ने 7 विकेट से जीत लिया। अगर बात की जाए तो जीत के हीरो शिखर धवन और पृथ्वी शाह ने रहे और उन्हें ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी और 7 विकेट से दिल्ली कैपिटल ने पहला IPL का पहला मैच जीता और पंत की कप्तानी में यह पहला मैच दिल्ली कैपिटल ने जीता। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करें, खबर निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग के हवाले से। की बड़ी खबर चेन्नई सुपर किंग के लिए बुरी खबर कि 12 लाख रुपए का जुर्माना उनको स्लो ओवरहेड के कारण उनको 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर जो BCCI ने नया नियम निकाला था जिसपे सिर्फ 90 मिनट में इनिंग खत्म करनी होती है, लेकिन उन्होंने 10-12 मिनट ज़्यादा लिए और उनका 12 लाख रुपए का जुर्माना BCCI ने लगवाया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही सुरेश रैना के हवाले से। की बड़ी खबर, सुरेश रैना ने काफ़ी समय के बाद IPL में वापसी की और पहले मैच में ही 54 रनों की ज़बरदस्त पारी खेली और उन्हें चेन्नई सुपर किंग को दिखाया कि वो कितने ज़बरदस्त बल्लेबाज है और उन्हीं के मिडल ऑर्डर में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 54 रन की पारी खेली और दिल्ली कैपिटल को 188 रनों का टारगेट दिया और बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूट सुरेश रैना का उस 188 रन में रहे और 54 रनों की ज़बरदस्त पारी सुरेश रैना ने खेली। और चौथी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही इयान मॉर्गन के हवाले से। की बड़ी खबर, इयान मॉर्गन के मुताबिक सुनील नारायण और शाकिबुल हसन में दोनों में से किसी एक को जगह मिलेगी, लेकिन उनके मुताबिक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि शाकिबुल हसन और सुनील नारायण दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाज हैं, दोनों ज़बरदस्त बल्लेबाजी और ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, इसलिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा कि दोनों में से किस खिलाड़ी को जगह दी जाए। अब मैच के वक्त की पता चलेगा कि शाकिबुल हसन और सुनील नारायण दोनों में से किस खिलाड़ी को ज़्यादा अब तवज्जो दी जाएगी। अभी तक कुछ कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन शाकिबुल हसन और सुनील नारायण दोनों में से किसी एक को जगह जरूर मिलेगी, ये कहना है इयान मॉर्गन का। और पांचवी बड़ी खबर करो करें, खबर निकल के आ रही महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से। की बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी के मुताबिक अगर हमने 200 से ज़्यादा स्कोर बना लिया होता तो हम पूरी तरह से इस मैच में फेवरेट होते। उनके मुताबिक इस जो ये पिच है, ये चेन्नई की पिच है, यहाँ पर 200 रनों का टारगेट अच्छा टारगेट होता है और 200 रनों से ऊपर जो भी टारगेट लगता है उस टीम के जीतने के चांसेस 80 से 90% रहते हैं। उनके मुताबिक अगर हमने 200 रनों का स्कोर बना लिया होता तो हम इस मैच को जीत सकते थे, कहना है महेंद्र सिंह धोनी का। और ज़्यादा जानकारी के चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको मिल सके। थैंक यू।